पांड्या ब्रदर्स से मशहूर हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या इंडियन प्रीमियर लीग के अगले सीजन में मुंबई इंडियंस के बजाय किसी और फ्रेंचाइजी से खेलते हुए नजर आ सकते हैं। आईपीएल के पिछले सीजन में विफल साबित हुए दोनों ही खिलाड़ी अभी पूरी तरह से फिट नजर नहीं आ रहे हैं। इतना ही नहीं, अब माना जा रहा है कि हार्दिक और कुणाल को मुंबई फ्रेंचाइजी रिटेन नहीं करेगी। ऐसे में खबर है कि नई फ्रेंचाइजी अहमदाबाद के लिए वो खेल सकते हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। इंडियन प्रीमियर लीग की 8 पुरानी फ्रेंचाइजी 30 नवंबर को रिटेन किए गए खिलाड़ियों की घोषणा करेगी। लगभग सभी टीमों ने अपने रिटेन किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट बना ली है, लेकिन फिलहाल ये लिस्ट आउट नहीं हुई है। इस बीच हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या अब आईपीएल के अगले सीजन में मुंबई इंडियंस के लिए नहीं खेलते हुए नजर आएंगे, बल्कि किसी और फ्रेंचाइजी के लिए खेल सकते हैं। माना जा रहा है कि मुंबई इंडियंस अब हार्दिक और कुणाल को रिटेन नहीं करेगी। साथ ही पांड्या ब्रदर्स ने गेंद और बल्ले से मुंबई इंडियंस को कई मैच जिताए हैं, लेकिन अब इस फ्रेंचाइजी से इनका रास्ता अलग होने वाला है। जानकारी के मुताबिक हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या आईपीएल की नई टीम अहमदाबाद से खेलते हुए नजर आ सकते हैं। दोनों भाई अहमदाबाद फ्रेंचाइजी के संपर्क में हैं। उनके गुजराती कनेक्शन और राज्य में उनके प्रशंसकों की भारी संख्या को देखते हुए मैनेजमेंट उन्हें 2022 में नए सत्र के लिए लाने का इच्छुक है। जबकि मुंबई इंडियंस आईपीएल 2022 में रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव और किरण पोलार्ड को रिटेन कर सकती है। उनके अलावा रिटेन होने वाले खिलाड़ियों में ईशान किशन का नाम भी शामिल है। हार्दिक और कुणाल ने मुंबई इंडियंस के लिए काफी समय से शानदार प्रदर्शन किया है, हालांकि पिछले सीजन में दोनों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। हार्दिक ने लीग के 14वें सीजन में मैचों में कुल 127 रन ही बनाए थे। वो पिछले 2 सीजन से आईपीएल में गेंदबाजी भी नहीं कर रहे हैं। हार्दिक ने आईपीएल में अब तक 92 मैचों में 4 अर्धशतक के सहारे 1476 रन बनाए हैं और साथ ही 42 विकेट भी लिए हैं। वहीं कुणाल पांड्या ने पिछले सीजन में 13 मैचों में 143 रन बनाए थे। उन्होंने आईपीएल में अब तक 84 मैचों में 1143 रन बनाए हैं और साथ ही 51 विकेट भी चटकाए हैं। दरअसल हार्दिक अब भी पूरी तरह फिट नहीं हैं और नियमित रूप से गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं। कुणाल भी पिछले कुछ समय से बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं और पिछले सीजन में दोनों ही कुछ खास नहीं कर सके। ऐसे में अब खबर है कि वो अगले सीजन में नई टीम अहमदाबाद की तरफ से खेलते हुए नजर आ सकते हैं।